जताई थी जो मिले के अनुसार एक असाथी का मिश्रा था कि ले भाई तुझे देखिए ऐसे एक काम पर असाथी लोगों की सब कोई दिखो फ्लाइट इज़ ऑन टाइम सो आई एम अबाउट टू लीव अभी बोर्डिंग का टाइम है सो व्हेन आई रीच चेन्नई आई विल लेट यू नो गाइस ओके লাইফতে ইমানবার ট্রাভেল করেছো লিবি আজি ফার্স্ট টাইম কোনবা সুন্দর ছোকরা মো নজরে পড়াছে আর উপায় না থাকে না কিং আমি শুট নকর আসো ভিডিও একটা ভাল ছোকরা পড়াইছে ওসরে আর অল্প নার্ভাস আছে মই চান্স পাইলে দেখাও আপনি কেন छोकरा सुंदर आसे बसले एक्चुअली ना विंडो सीटे मई पा आसे और मिडल खाली थे और उतु साइड तो ए बी सी थे ना तो मई विंडो सीट आसे एक खाली सीट आसे और फर्स्ट टेप हुई थे सुंदर छोकरा तो ईश्वर भी की आसे ना जने एक बुरा मन एक मिडल दे पूरा मन एक मिडल दे पे जैसे मोर जो लाभ इच्छते हाट दी आई जैसे खाओ दे नपरे मैं सलम खास दिखाओ ले मोला जानी दे निका हुई थे कुम भाल लो दे वो पर सब लोग उल्टा पुलता हो जाए एज यूजुअल तो ये चेन्नई पहुंचेगी ना अपने हालों दे किताब करो दे তো দেখিছে না আর ভালো লাগে দেখব পারা না তাই বা ফোন করিছে চেন্নাই পৌঁছলে কি আপনি আনকে দেখাবো দে ইত্যাদি डिपार्चर 7 बजे सीधे 6:30 से आधा घंटा रुको लगे सर आप सुनो सर आप बताओ अब क्या क्वालिटी चेन्नई पहुंचेगी ना मेरा अंकित दिखाओ दे पीछे दिन मुझे मैगी खाई शुरू करें मैगी वाला भी दिखाई दे मैगी तो मुझे खाई थी मुझे ना जिन्हें फ्लाइट ला मैगी मां खुशी पाए गुआ फ्लाइट ला मैगी खुशी पाए गा ने मुझे खाई लो इस टाइम मुझे चॉकलेट खान बिस्किट खान चिप्स खान कुछ लेना है एंड मुला बैग टैग
भूख लगी है खाओ बना मैंने एकदम मैगी ला कप तो 400 तो खुशी हसना ले मैं खुशी पाए टेस्ट लगे एकदम आज भी मन जाए खाई लो नई बोले नाखा स्ट्रेस एकदम सुंदर ना लाज बैग लो ले जासे मुई बंद कर के देखी सकले हिंदी पता मतलब एकदम खाना पता बोला इसको पा ते बैग बैग लो ना बैग मतलब लगेज लो ये ना बोला इसको पा सीधा चर्च थे चर्च ला एड्रेस थे मतलब बैग तो दिखाई नहीं दिख रहा कब तो आया हूँ ना सर गया फाइनली चेन्नई और अभी मैंने कैब बुक कर लिया और अब जा रहे हैं हम लोग कैंपस में चर्च का कन्वेंशन ग्राउंड जा रहा है डायरेक्ट तो मेरे को एड्रेस इतना अच्छे से नहीं पता क्योंकि पहली बार है तो ये भैया अच्छा है जो मुझे लेके जा रहा है तो उसको वहाँ से पूछ लेंगे बोला आई थिंक मैंने सही एड्रेस लगाया है वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ा सा ठीक है अभी मतलब मैं कहाँ सोने वाली हूँ कहाँ खाने वाली हूँ कैसे रहने वाली हूँ बिकॉज ये अभी ऐसा है कि चर्च में रहने वाली हूँ मैं होटल में नहीं रहने वाली क्योंकि चर्च में वहाँ पे रहने के लिए जगह दिया है तो आई डोंट नो मैं कंफर्टेबल ऑब्वियसली बचपन में कन्वेंशन में बहुत टाइम रहा है आई मीन लाइक कन्वेंशन बहुत लाइक अलग अलग जगह का कन्वेंशन अटेंड किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ का कन्वेंशन में जाके रहना रहने का खाने का क्योंकि वहाँ पे अच्छे से ही रहने का जगह देते हैं और आई बिलीव यहाँ पर भी ऐसे जगह तो जाते हैं
लोग देखते हैं कैसे होता है। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने एक्चुअली मैंने बेडशीट पिलो सब कुछ लिया हुआ है, तो जाके मुझे अपना बेड कहाँ पे मुझे रहना है, कहाँ पे सोना है, वो सब ठीक करने पड़ेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे हमारे चर्च का पहला मीटिंग शुरू होगा, तो आप लोगों को हो सके तो मैं दिखाऊँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा। वैसे चेन्नई इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे दिखाते हैं सिग्नल पर। गाइस, अभी आप लोग ने देखा ना जो मैंने दिखाया था, वैसे यहाँ पे एकदम अलाउ नहीं है फोटोज और वीडियोस लेना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फिर भी मैंने मतलब छुपा के लिया है, तो मुझे अगर दिखेगा ना तो मुझे डांटेगा, तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे बिल्कुल भी। तो आप लोग मैनेज कर लेना। और अभी दो बजे लंच देंगे, तो उसका वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग गया। मैंने कुछ चिप्स विप्स लाया था, वो खा रही हूँ, वो खाया भी, और फिर भी लाइक राइस होता है तो राइस खाने का मन कर रहा है। तो मेरा एक कॉलीग है चर्च का, तो हम दोनों राइस खाने के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे नागा और नेपाली लोगों का एक साथ खाना है, तो मतलब नोटिस का जोन अलग है और अलग, सबका अलग अलग अलग। तो हम लोग डिनर करेंगे। लंच करने के बाद 6 बजे यहाँ पे प्रोग्राम होगा। 6 बजे आज का प्रे शुरू होगा 6 बजे से, तो 6 बजे प्रे करके उसके बाद मतलब 6 बजे से 9 बजे तक चर्च होगा, उसके बाद फिर खाना खा के सो जाएंगे। যদি আপনি বিশ্ব লোকসভা বানিয়ে গেল তাহলে বলি উৎসাহ থাকিলে ঈশ্বর আপনি কি বিতে না সাথে বানাই দিব সবই এদিক বহুত সুন্দর পড়ে আছে একদম অনেক মস্ত চলে এলো মুখকে ভিতরে কি কি আছে তো বন্ধ করব যদি ঈশ্বর সেবা কর সব তো ঈশ্বর সাথে হয়ে যাইতে হইলে ঈশ্বর হৃদয় ভগবান আন্দোলন কি কি আছে তো সব তো দেখতে দেখাই দিব Thank you.
अच्छा मिला, कोई कोई ऐसा वाला मिला, तो फिर भी अच्छा, इट वॉज ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सारे ब्लेसिंग्स कलेक्ट किया, अच्छा से ब्लेसिंग्स मिले पाए, और मैं ब्लेसिंग्स खूब सारे ब्लेसिंग्स लेके जा रही हूँ वापस अपने घर दिल्ली। तो एक्चुअली मेरा फ्लाइट है 2:30 का, लेकिन मैं सुबह मेरा फ्रेंड का मेरा मतलब फ्रेंड कम और बहन ज़्यादा, तो उसका ट्रेन था आई थिंक 7:30 से, वो तो मैं उसके टाइम से ही निकल गई, क्योंकि मैं वो जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, जब वो चले जाएंगे तो मुझे रूम में अकेले रहना पड़ेगा, तो मुझे अकेले रहने का मन नहीं था, इसलिए मैं निकल गया मैं भी। और अभी एयरपोर्ट ही जा रही हूँ, तो एयरपोर्ट में मैं सुबह मतलब जल्दी पहुँच जाऊँगी। ये देखो ऐसे कुछ, मुझे यहाँ पे ना मैंने घूमा नहीं,
टू इलेवन को मेरा मैंने सोचा था थोड़ा भूलूंगी फिर भी, लेकिन ऐसा हो गया कि चर्च में प्रोग्राम आ गया था, तो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम देख मैंने देख लिया और मेरा बाहर पूरा घूमने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि वो चर्च का जो प्रोग्राम था वो सबसे बेस्ट था, तो मैंने वही अटेंड कर लिया। और अभी नेक्स्ट डे को हम निकल रहे हैं और मैं एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंच जाऊंगी, और मुझे मुझे एक्चुअली जल्दी पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूम में मुझे अकेले रहने का मन नहीं था इसलिए मैं निकल गया, और एयरपोर्ट में मुझे रहना अच्छा लगता है, मतलब टाइम स्पेंड करना मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे बोर फील नहीं होता एयरपोर्ट में, तो इसलिए मैं निकल गया। शाम 4:30 तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी, और मैं दिल्ली पहुँचने के बाद ही आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है? एयरपोर्ट पे थोड़ा सा हो सके तो मैं बात कर लूँगी आप लोगों से, एंड देन सीधा दिल्ली लैंड होने के बाद ही आप लोगों से बातें करूँगी। चलो मिलते हैं आप लोगों से। जल्दी पहुंचने की वजह से तो लगेज अभी नहीं देने को मिला, तो 2 घंटे के बाद लगेज देंगे और have coffee? Cappuccino? No problem. How much is it? 3:10. 3:10? Give me one. Give me one. What? One coffee, cappuccino. ₹310. बताओ विच साइज इज दैट बाय द वे, विच साइज इज इट, मीडियम, लार्ज, स्मॉल? ओके, यू हैव ओनली दैट दैट साइज, ओनली वन साइज? ओके, नो प्रॉब्लम। गिव मी कौन सा खा लो, गिव मी दिस बटर क्रोसेंट, हाँ, the 300 one you have? No. Not available? No. Chicken burger. Chicken burger? No. Chicken bangle salad. What is this? Veg hubs. Veg? Not veg. Chicken? It's chicken. It is chicken. This one how much? $200. Chicken? Give me one. खाए लेती हूँ, है ना? एयरपोर्ट में इतना महंगा क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्या होता है इधर जो इतना महंगा बना लेते हैं? हाउ मच? दिस इज 200? 210. 210 and 310. 320 coffee. Okay. Yeah. ₹30 you will get, right? Thank you. गाइस, मैं आप लोगों से एक शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी पता होना चाहिए शायद। मैं वीडियो अच्छा से एंड नहीं कर पाई,
पता है आप लोगों को क्या, आप लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ आफ्टर लैंडिंग लाइक दिल्ली एयरपोर्ट. मेरे साथ मतलब अराइव होने के बाद, दिल्ली एयरपोर्ट अराइव होने के बाद मेरे साथ ये हो गया कि मैं बैग लेके निकल गई. बहुत भीड़ था तो मैंने इतना अच्छा से चेक नहीं किया बैग को. और मेरे साथ ये हो गया कि मैं जब निकले बाहर अराइवल पे, तो एग्ज़िट गेट के बाहर आके मैं अपना कैब बुक कर लिया था. तो मैं जब कैब में उठने वाली थी तो कैब ड्राइवर ने मुझे बताया कि मैडम आपका बैग पूरा टूटा हुआ है. और मैंने देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया, मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मेरा बैग टूटा हुआ है. ये पहली बार मेरे साथ हुआ. मैंने लाइफ में इतना ट्रैवल किया लेकिन कभी नहीं हुआ. तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, मतलब मैंने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा. ये सब टेम्पटेशन है. मैंने मतलब सोच के, मतलब ये चर्च से जब हम लोग बहुत ब्लेसिंग लेके आते हैं कहीं पे, अच्छा अच्छा कुछ करके आते हैं ना, तो बहुत शैतान जो है ना बहुत हमारे टेम्पटेशन लेते हैं. तो मैंने इसको टेम्पटेशन के हिसाब से मैंने छोड़ दिया. लेकिन मुझे दिल में बहुत बुरा लग रहा था. हुआ क्या है मेरे साथ, मैं जब आई बाहर तो मेरा बैग पूरा टूटा हुआ था. मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगी. उस टाइम मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि ये बैग बहुत एक्सपेंसिव था और मैंने इतना प्यार से ये बैग को इतना साल से चला रही थी. तो मुझे बुरा लगा. तो मैं इसका पिक्चर्स आप लोगों को दिखा दूंगी कि वो लोग ने, जैसे इंडिगो स्टाफ ने मेरे बैग के साथ क्या किया, क्या हालत हो गया था मेरे बैग का. मैं आप लोगों को पिक्चर्स में दिखाऊंगी, आप लोग देखना. और इसका रिफ़ंड भी नहीं मिला, इसका कुछ भी नहीं मिला मुझे. मैंने इतना ट्राई किया था कि मुझे रिफ़ंड मिल जाए और नहीं तो इसका क्लेम कर पाऊँ मैं बैग का. तो लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं एग्ज़िट गेट के बाहर आ चुकी थी. इसलिए वो लोग ने बोला कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर मैं जब बैग ले रही थी तो बैग का अंदर ही उन लोगों को दिखा देती कि मेरा बैग टूटा हुआ है, तो वो लोग चेंज कर देते, नहीं तो रिफ़ंड देते, नहीं तो क्लेमिंग हो जाता. लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं एग्ज़िट गेट के बाहर आ चुकी थी. तो वो लोग ने बोला कि स्टाफ आए थे इंडिगो का और मुझे बताया कि अगर आप अंदर होते तो हम लोग कुछ कर सकते, लेकिन आप बाहर आ चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोल के मेरे को कुछ भी नहीं मिला. और एक मेल आईडी दिया था, उसी में मैंने बस मेल कर दिया, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. तो आप लोग कभी भी बाहर जाए तो प्लीज़ आपका बैग अंदर ही चेक करके बाहर निकले, नहीं तो आपके पास, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. तो ये रहा मेरा बैग का पिक्चर्स, देखो. Anyway guys, thank you so much for watching. See you in my next vlog. Take care everyone. Love you all. Bye bye.